सनी एंटरटेनमेंट ग्रुप की 12वीं वर्षगांठ पर ऑल इंडिया आर्टिस्ट एंड बिजनेस अवार्ड्स का किया गया आयोजन। उत्तर प्रदेश के जनपद मेरठ में सनी एंटरटेनमेंट ग्रुप की 12वीं वर्षगांठ पर ऑल इंडिया आर्टिस्ट एवं बिजनेस अवार्ड्स का किया गया आयोजन। मेरठ प्रतापपुर की बिजली बम्बा बाईपास स्थित कंट्री इन होटल में शुक्रवार देर शाम एंटरटेनमेंट ग्रुप की 12वीं वर्षगांठ पर ऑल इंडिया आर्टिस्ट एंड बिजनेस अवार्ड में पहुंचे लुक लाइफ सचिन तेंदुलकर और बलविंदर सिंह और कोलकाता की सुपर मॉडल अर्पिता सेन ने सभी दर्शकों का स्टेज पर अपनी परफॉर्मेंस से एंटरटेनमेंट किया। लुक लाइक सचिन तेंदुलकर ने लोगों को संबोधित करते हुए बताया कि हमें एक दूसरे के साथ हमेशा खड़ा रहना चाहिए। 2 साल बीते लॉकडाउन के दौरान उन्होंने कई उतार चढ़ाव देखे। इसी दौरान कोलकाता की सुपरस्टार मॉडल अर्पिता सेन अपनी डांस परफॉर्मेंस से लोगों का मनोरंजन किया। वहीं सोनू निगम ने अपनी सिंगिंग से और जूनियर सनी देओल उर्फ राजीव कुमार ने अपने डायलॉग से सबका मन मोह लिया, जिसके बाद मेरठ के जाने माने बिजनेसमैन आर्टिस्ट और मीडिया कर्मियों को ऑल इंडिया आर्टिस्ट एंड बिजनेस अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। पीटीएनआई न्यूज के लिए विशाल कुमार की रिपोर्ट। आपका जैसे कि आप मोदी नगर से मेरठ आएंगे तो क्या प्रोग्राम? नमस्कार, मेरा नाम अलका चौधरी, भोजपुर मंडल अध्यक्ष महिला मोर्चा भाजपा। और जैसे कि आप सभी जानते हैं सनी की आज जो भी सनी का ग्रुप है इसे 12 साल हो गए हैं, तो इसकी शुभकामना देने के लिए मैं आता हूँ। कैसा लगा? मुझे हमेशा सनी की प्रोग्राम मान के बहुत अच्छा लगता है। इतना इसमें इतना सम्मान मुझे शायद ही नहीं मिलता है जितना सनी में यहाँ पर मिलता है। पता ही नहीं चलता किसी बाहर के प्रोग्राम में आ रही है, फैमिली फंक्शन है। मैम कैसा लग रहा है आपको मेरठ में? हर साल हमको बहुत अच्छा लगता है। जैसे कि हम 3rd day में आ चुकी हूँ यहाँ पे, और मेरा आज डांस का प्रोग्राम भी था। जी जी, डांस भी किया जी मैंने। हाँ, देखा मैंने। हाँ, देखा मैंने। और थैंक यू सो वेरी मच राजीव जी को कि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म देने के लिए जी, और सभी आर्टिस्ट लोग को इतना सम्मान देना देने के लिए। जी जी, जैसे कि राजीव जी ने बताया आपने फिल्मों में काम किया, तो आपकी कोई ऐसी फेमस फिल्म या कुछ ऐसा किरदार रहा? एक्चुअली मैं बंगाली, हिंदी शॉर्ट फिल्म्स, म्यूजिक वीडियो एल्बम्स, बहुत कुछ ऐसा। मैं रैंप ग्रूमर भी हूँ। जी जी, मेरा बहुत सारा स्टूडेंट्स भी है। ऐसे टीवी शोज वगैरह बहुत कुछ, जैसे कि हिंदी में। हाँ, हिंदी में किया है, बहुत सारे किया है, लेकिन अभी अचानक आप पूछ रहे हैं। छोटा सा बता दीजिए। जैसे हॉरर मूवी किया था जमशेदपुर में। जी जी, तो अच्छा रिस्पॉन्स। जी जी, मेरठ में आके आपको कैसा लगा? कैसा? मेरठ बहुत ही अच्छा है, दिल्ली बहुत ही अच्छा है, जहाँ हम लोग बिलोंग करते हैं बहुत अच्छा हो गई। और ऊपर से सानी एंटरटेनमेंट ग्रुप का हर मेंबर्स बहुत ही अच्छा है। जी, आप दोबारा आना चाहेंगे? मैम मेरठ दोबारा नहीं, जितना बार शो होगा उतना बार आओगे। हमें जॉब मिल गया डीएमसी हॉस्पिटल, तो मैं गांव से जैसे शहर में आया तो लोग सचिन सचिन बोलने लगे। तो 94 में शादी हुई, तो 98 में मैं पेपरों में आया, तब लोग मुझे सिर्फ बोलते थे। तो पेपरों में तो 99 में मैं मैच देखने गया दिल्ली फिरोज कोटला, तो मेरे ऊपर अचानक कैमरा लगा, तो सुनील गवास्कर ने कमेंट्री बॉक्स में देख लिया उन्होंने, सुनील गवास्कर जी ने, तो बोले कि सचिन तो ग्राउंड में खेल रहे, पवेलियन में कैसे चल गए? तो फिर कैमरा लगा, बोले यार ये तो सचिन ही, इसको कमेंट्री बॉक्स में लेकर आओ। तो फिर वो गुरु लोग मुझे कमेंट्री बॉक्स में 99 में जब इंडिया पाकिस्तान का मैच था, सीरीज था, उसमें कुंबले ने 10 विकेट ली थी, उन मैचों की बात कर रहा हूँ। तो मेरे को जैसे वो लेकर गए तो सुनील गवास्कर जी बोल रहे कि लुक लाइक सचिन, बिल्कुल सचिन। तो मैंने देखा, मैं टीवी पे दिख रहा हूँ, तो मुझे लगा कि अब मैं काफी फेमस हो जाऊंगा, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का मैच है, सब लोग देख रहे हैं। उसके बाद हीरो मजिस्ट्रिंग ने मेरे को 99 में वर्ल्ड कप में इंग्लैंड में भेजा, तो मैं टीम भी गई थी, तो मैं भी गया था, तो काफी वहां मुझे टीवी पे दिखाया गया था। वहां से फेमस हुआ, वापस आया तो हॉस्पिटल रिजाइन किया, तो मुंबई आ गया, बहुत स्ट्रगल किया। हाय फ्रेंड्स, कैसे आप सब? मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, आप सब मेरी तकदीर है। मैं सचिन तेंदुलकर, वही बस उनकी छोटी